नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विप्लव स्टॉक्स में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में। एडीएफ फूड्स लिमिटेड जो है डिविडेंड देने जा रही है, और जो डिविडेंड ये देगी वो ₹1.50 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड देगी। तो जो भी एडीएफ फूड्स लिमिटेड के शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड जरूर मिलेगा, आपको बता दूं। और जो डिविडेंड लेना चाहता है वो एडीएफ फूड्स लिमिटेड के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो। और आपको तो डिविडेंड आपको मिल सकता है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो। और इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना लास्ट डिसीजन आपका होगा कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आपको बता दूँ इस वीडियो में मैं इस कंपनी के इन्फॉर्मेशन, मार्केट कैप, जैसे कि मार्केट कैप आपको बता दूँ और फेस वैल्यू, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और आगे इस कंपनी का चार्ट भी दिखाऊंगा, उसके बाद जो अनाउंसमेंट इसने किया डिविडेंड देने का वो अनाउंसमेंट दिखाऊंगा और इस कंपनी का ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलते वीडियो को देख करके किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन आप ले सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए सबसे पहले इस कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हो 631.92 करोड़ है, यानी 631.92 करोड़ रुपीज़ है आपको तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल। और मार्केट लॉट की बात करते तो 1 है, पी की बात करते तो 21.22 यानी 21.22 है। इंडस्ट्री पी की बात करते तो 64.44 यानी 64.44 है। बुक वैल्यू की बात करते तो 104.91 है यानी 104.91। ईपीएस की बात करते तो 14.82 है यानी 14.82 है। डिविडेंड परसेंटेज मेंशन नहीं कर रखा। पीसी की बात करें तो आप देख सकते हो 18.53 यानी 18.53 है। प्राइस बुक की बात करते तो 3.01 यानी 3.1 है। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज नहीं, आपको तो मेंशन नहीं है क्योंकि डिविडेंड परसेंटेज मेंशन नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो आप देख सकते हो फेस वैल्यू 10 है यानी 10 है। और डिलीवरी वैल्यू परसेंटेज की बात करें तो 60.13 है यानी आपको बता दो 60.13 है। तो आपको तो किसी भी स्टॉक में अगर 25% से ज़्यादा की डिलीवरी अगर होती है तो स्टॉक अच्छा माना जाता है। और वो स्टॉक कुछ दिनों बाद आपको बता दो कुछ दिनों लगातार डिलीवरी होती है 25% से ऊपर की तरह, तो कुछ दिनों बाद वो अच्छा मूव दिखाता है। तो इसमें देख सकते हो डिलीवरी वाले परसेंटेज अच्छा निकल कर 60.13 यानी 60.13। अब इसके बाद चलते हैं जो एडीएफ फूड्स लिमिटेड का जो चार्ट है उसके ऊपर। तो चार्ट में आप देख सकते हो ये लगभग आज 311.90 रुपये पर बंद हुआ है। आपको बता दूँ मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, आप देख सकते हो 3:30 बजे का आपको ये डेटा है, चार्ट है। तो मार्केट अभी क्लोज हो चुका है, 311.90 रुपये पर बंद हुआ था, लगभग 14.10 रुपये ऊपर था, लगभग 5% की तेजी थी आज इस स्टॉक में। और पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 दिन में आप देख लगभग 9% स्टॉक ने पिछले 5 दिन में मूव किया, 9% रिटर्न दिया आपको तो पॉजिटिव रिटर्न, लगभग 25.90 रुपये इस स्टॉक ने पिछले 5 दिन में रिटर्न दिया। और इसके बाद बात करते हैं एक महीने की, तो एक महीने में थोड़ा फ्लैट रहा है पोजीशन, आप देख सकते हो लगभग 1% का डाउन रहा है पिछले एक महीने में, लगभग 3.85 रुपये डाउन रहा है पिछले एक महीने में आप देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में अच्छा आपको बता दूँ रिटर्न रहा, लगभग देख सकते हो बहुत अच्छा रिटर्न है, 28% आपको तो लगभग 29% आप देख सकते हो पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले एक साल में, यानी बहुत आपको बता दूँ अच्छा स्टॉक माना जाएगा। 25% से ऊपर का अगर किसी स्टॉक रिटर्न देता है एक साल में तो एक अच्छा स्टॉक माना जाता है। लगभग 70 रुपये आप देख सकते हो, 69.90 रुपये यानी लगभग 70 रुपये आपको बता दो ऊपर गया है पिछले एक साल में स्टॉक। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में आप देख सकते हो 370.79% पॉजिटिव रहा है आपको तो पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 साल में दिया 370 यानी लगभग आपका पैसा जो है 4.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया है स्टॉक ने। अगर आप पिछले 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होंगे इस स्टॉक में तो आप देख सकते हो लगभग 4.5 गुना से भी ज़्यादा कर दिया स्टॉक ने आपका पैसा। तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपका पैसा दुगना या फिर तिगुना करने का दम रखती है स्टॉक, तो आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट की, तो मैक्सिमम चार्ट भी इसका काफ़ी अच्छा आप देख सकते हो, मैक्सिमम चार्ट देख के भी सेटिस्फाई मिलता है क्योंकि आप देख सकते हो जो 1999 से 2002 तक का डेटा अवेलेबल है, देख सकते हो 6015% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है, यानी मल्टी बैगर है आपको बता दो स्टॉक। तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छा स्टॉक है, 6015% का आपको बता दो पॉजिटिव रिटर्न रहा है।
और इसके बाद बात करते हैं अब जो इसने अनाउंसमेंट किया उस अनाउंसमेंट की, तो इसके लिए चलेंगे एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो एनएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मैं आ गया हूँ, और जो जहाँ पे अनाउंसमेंट दिखाते कंपनियों का वो सेक्शन को मैंने पहले से खोल के रखा है। यहाँ पर देखते हो एकदम बॉटम में सबसे नीचे एडीएफ फूड्स लिमिटेड है, उसके आगे डिविडेंड लिखा हुआ है, और जो अनाउंसमेंट देख सकते हो आज ही आया 7 फरवरी 15:42 यानी 3:42 पर लगभग 3:30 बजे अनाउंसमेंट आया। डिविडेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो सिंबल जो है एडिया फूड्स है, कंपनी आप देख सकते हो एडिया फूड्स लिमिटेड है, इंडस्ट्री जो है फूड एंड फूड प्रोसेसिंग है। इसके अलावा ब्रॉडकास्ट डेट एंड टाइम देख सकते हो 7 फरवरी 2020 और टाइम जो है आप देख सकते हो 15:42 यानी 3:30 बजे। सब्जेक्ट जो है डिविडेंड है, और अनाउंसमेंट क्या था वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एडिया फूड्स लिमिटेड हैज़ इन्फॉर्म द एक्सचेंज दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन February 7, 2020 declared a second interim dividend of 1.50 per equity share। यानी आप देख सकते हो यहाँ पर लिख रखा है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.50 पर इक्विटी शेयर, यानी 1.5 रुपये पर इक्विटी शेयर देगी। और इसके बाद आप चलते हैं जो इनका ऑफिशियल आपको बता दो लेटर है उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो एडीएफ फूड्स का लोगो बना हुआ है, आप देख सकते हो सबसे ऊपर लेफ्ट राइट साइड में सबसे टॉप कॉर्नर में। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो सील भी लगा एडिया फूड्स लिमिटेड का लेफ्ट साइड में बॉटम में। इसके अलावा आप देख सकते हो जो इनका जो अनाउंसमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो इनका जो है वो अनाउंसमेंट है, फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड अ सेकेंड इंटरिम डिविडेंड एट ₹1.50 पर शेयर। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली लिखा है ₹1.50 पर शेयर ये इंटरिम डिविडेंड देगी। तो ये रहा आपको तो एडिया फूड्स लिमिटेड की ओर से जो डिविडेंड देने जा रहा है, डिविडेंड का अनाउंसमेंट लेटर और जो अनाउंसमेंट जहाँ पे किया आपको तो एनएससी की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर वो भी मैं दिखा देता हूँ, इसका चार्ट भी दिखा चुका हूँ और कंपनी की इन्फॉर्मेशन भी दे चुका हूँ मैं। तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट में आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख करके आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की डिसीजन ले सके। तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, आप लोगों को पता ही, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड जो लाइक का काला बटन है उसको नीला जरूर कीजिए। एंड आपके अगर कोई क्वारी है तो आप हम कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, वहाँ मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद।